इसी तरह का लाइव वॉलपेपर अपने डिस्प्ले पर सेट करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो का ट्यूटोरियल लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उस ऐप को ओपन करते हैं। ये रहा वो ऐप दोस्तों जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको इनेबल वॉलपेपर पर क्लिक करना है, ठीक है। आप इसे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का यहाँ पर होम स्क्रीन कर दीजिएगा, ठीक है। मैजिकल बोर्ड में जाना है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आपको लगाना होगा जिस तरह का हम आपको पहले दिखलाए थे उस तरह का इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। जो भी दोस्तों आपको यहाँ से लगाना होगा उसे इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डाउनलोड होने देते हैं। तब तक डाउनलोड हो जाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से वॉलपेपर जब ये लाइव चलने लगेगा, ठीक है। यहाँ से सेट वॉलपेपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करना होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर या फिर होम स्क्रीन पर सीधे, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये दोस्तों सेट हो गया। चलिए हम इसे दिखलाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह से ये लाइव वॉलपेपर चल रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस, जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।